स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ रहे हो 1.4 एक्सरसाइज रिलेशन फंक्शन का। इसमें बाइनरी ऑपरेशन टॉपिक चल रहा है और बाइनरी ऑपरेशन में भी आप क्वेश्चन नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और हम यह कहना चाहते हैं आप लोगों से कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप पर्टिकुलर आप मैसेज भी भेज सकते हैं और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए 9473565373। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ठीक है। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इसको आप खुद स्टडी करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इज स्टार डिफाइंड, इज स्टार डिफाइंड कैसा ऑन द सेट 1 2 3 4 5। कोई सेट ए है 1 2 3 4 5 पर डिफाइंड, क्या कर रहे हैं कि स्टार इस पर डिफाइंड है बाय कैसे ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ इस का मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज अ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है कि आपको जस्टिफाई करना है तो जरा ध्यान से देखिए। अगर आप जानते हो कि ए क्रॉस ए बाइनरी ऑपरेशन ए क्रॉस ए टेंडिंग टू ए होता है, मतलब किसी दो नंबर का एलसीएम ए में होना चाहिए। तो 1 और 2 का तो चलो ठीक है, 1 और 2 का लेते हैं, है 1 और 1 का है, 2 और 2 का भी है, लेकिन ये बताइए 2 और 3 का एलसीएम जब आप लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इसका मतलब क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 विल बी व्हाट 6। 6 does not belongs to A। क्या 6 A में है? No, तो नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? Star is not defined। Star का मतलब क्या हुआ? कि binary operation इस set पर defined नहीं है। Okay। Question number 8 में देखते हैं। Question number 8 में let star be the binary operation on N। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, एन पर है, ध्यान देना है। डिफाइंड बाय ए स्टार बी, डिफाइंड बाय ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। एच हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, एच सी एफ ऑफ महत्तम समापवर्तक, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी क्या है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी है, इज कॉमटेटिव। अब आपको ये बताना है कि क्या ये कॉमटेटिव है, इज कॉमटेटिव क्रम बिन में, ये भी चेक करना है और एसोसिएटिव भी चेक करना है कि क्या एसोसिएटिव है। और थर्ड एक बात और आपको चेक करनी है, आइडेंटिटी, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी चेक करना है, ठीक है। ये 3 चीजें आपको इसमें चेक करनी है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो ये दोनों तो है भाई, अगर ए स्टार बी दिया गया है, मान लीजिए आपका सेट एन है, नेचुरल नंबर का सेट है, आप कोई भी 2 नेचुरल नंबर लेते हैं, उनका जो एच सी एफ होगा, जैसे हम ये कहें कि ए और बी का एच सी एफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए है, मतलब एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, जो ए और बी के एच सी एफ आएगा वही बी और ए का भी एच सी एफ आएगा, एच सी एफ ऑफ बी एंड बी, नो प्रॉब्लम। तो कॉम्पिटेटिवली सेटिस्फाइड। हाँ, एसोसिएटिव के लिए भी आप देख सकते हो, उसमें भी सेटिस्फाई है। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, मतलब सबसे पहले आप क्या निकालोगे, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, उसके बाद स्टार सी, यहां पर ए स्टार लगा रहने दीजिए,
यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस सी एफ आप बी एंड सी, ये भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर कोई कोई टर्म्स आएगा, जो भी आएगा, चलिए एग्जांपल लेकर बता देते हैं। ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू टू और सी इक्वल टू थ्री, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ वन और टू का एस सी एफ बताइए। वन और टू में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, केवल वन को छोड़ करके। तो ए और बी के एचसीएफ क्या होगा, वन होगा स्टार। सी, सी का एचसीएफ क्या होगा, वन और थ्री के एचसीएफ क्या होगा, वो भी वन होगा। ठीक है, यहां ये चेक कर लीजिए इधर से, ए स्टार यानी वन स्टार, एचसीएफ ऑफ टू एंड थ्री, एचसीएफ ऑफ टू एंड थ्री, तो टू और थ्री के एचसीएफ क्या होगा, वन ही होगा, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वन वन का वन ही होगा। तो एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई है, स्टार इज एसोसिएटिव भी है, सेटिस्फाई है। ठीक, अब आपको तीसरा जो चेक करना है वो ये चेक करना है कि क्या आइडेंटिटी है या नहीं है। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं आइडेंटिटी के लिए। इसमें जब आप आइडेंटिटी चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर एट में, तो क्या कहता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो आइडेंटिटी का फार्मूला क्या होता है, फॉर आइडेंटिटी आप जान रहे हो क्या, इसमें स्टार है, एन बाई एन है, टू एन है। ठीक है, तो आइडेंटिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, फॉर आइडेंटिटी, इसको आप लर्न कर लीजिए। ए स्टार ई इज इक्वल टू, ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आना चाहिए, ये आइडेंटिटी है। मतलब ए और ई, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आइडेंटिटी एलिमेंट भी आपको फाइंड आउट करना है, यही तो कहा है। मतलब ए और ई का एच सी एफ क्या है, ये स्टार क्या है, स्टार क्या है, एच सी एफ है, स्टार क्या है, एच सी एफ है। ओके ठीक, तो ए और ई का एच सी एफ, एच सी एफ ऑफ ए एंड ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, और इसी प्रकार एस सी एफ ऑफ ई एंड ए का भी वैल्यू ए आना चाहिए। तो ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगा, यदि हम कोई एग्जांपल ले लें तो जल्दी समझ लोगे आप लोग। अगर हम ए को टू ले लिए, ई तो आपको फाइंड आउट ही करना है। ठीक है, तो आइए बताते हैं आपको। जब आप टू और ई का एस सी एफ लेंगे, यानी टू स्टार ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, टू, तो एच सी एफ ऑफ टू एंड ई, एच सी एफ ऑफ टू एंड ई। ठीक है, टू और ई के एच सी एफ क्या होगा भाई, टू और ई क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है, यह मान लें कि इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ क्या होगा फिर दोनों का, वन होगा। तो क्या ये सही है, नहीं सही है, तो आप कहेंगे आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। फिर क्या कहेंगे भाई, इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ये अगर टू, ऐसा भी हो सकता है कि टू और ई सेम हो तब तो एग्जिस्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। हमने कहा अगर एक एग्जाम्पल में भी ये रॉन्ग आ रहा है फिर नहीं सेटिस्फाई है। तो यहां आप क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर एट हो गया। क्वेश्चन नंबर नाइन देखिए, नाइन और टेन हम एक साथ बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन ये देखिए, ये क्वेश्चन दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन क्या क्या निकालना है आपको, कॉमटेटिव चेक करना है, और क्या चेक करना है, एसोसिएटिव चेक करना है। ये तो नाइन का है, अब टेन में इसी क्वेश्चन पर आइडेंटिटी दिया गया है, आइडेंटिटी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, इसीलिए हमने क्वेश्चन नाइन और टेन एक साथ कर दिया। क्वेश्चन नंबर वन हम करा चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो वन दिया है, ये ए स्टार भी सेकंड से शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट से हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, सेकंड पार्ट क्या है नाइन के, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां तो एसोसिएटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, स्टार इज एन एसोसिएटिव, सॉरी कॉमटेटिव।
मतलब एक क्रम विनिमय को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल फॉलो करेगा। a² + b² इज आल्सो इक्वल टू b² + a² नो प्रॉब्लम। तो अब इसमें और दूसरा क्या चेक करना है, एसोसिएटिविटी चेक करनी है। तो फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या करने वाले हैं, अच्छा इसमें जो नंबर दिया गया है सेट ऑफ क्यू रेशनल नंबर के लिए है। सेट कैसा है, सेट क्यू है स्टार सच दैट क्यू बाई क्यू टेंडिंग टू क्यू रेशनल। क्यू इज क्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, ठीक है। तो फॉर एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए हम जानते हैं कि जितने इंटीजर होते हैं रेशनल भी होते हैं, तो 1, 2, 3 ले लीजिए, उसी से पता चल जाएगा। लेट a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, आइए चेक करते हैं। इसके लिए एसोसिएटिव के लिए एसोसिएटिव फार्मूला क्या होता है, b स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c। तो 1 * 2 * 3 इक्वल टू 1 * 2 * 3। आप इसको 1/2, 1/3, 1/4 इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सकता है इससे आ ही जाता है ज्यादातर, तो इसी को हम अप्लाई कर देते हैं, नहीं तो बाकी आप फ्री हैं। तो 1 * 2 यानी 1 * 2 का फार्मूला क्या है, a² + b², मतलब ये किस पर डिफाइंड है, a * b डिफाइंड है a² + b² पर डिफाइंड है, ठीक। तो हम यहां इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, 1² + 2² कितना हो जाएगा, 4 * 3। यहां भी इसी तरीके से 4 9 हो जाएगा, तो यहां हो गया 5 5 * 3, यहां क्या हो गया 13। अब यहां हो जाएगा 25, फिर से अप्लाई करिए a * b पर, फिर से अप्लाई करिए 25 + 9 हो गया और 169, तो डन नॉट इक्वल, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो कि ये डिफाइंड नहीं है, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, एसोसिएटिव नहीं है, ठीक। तो हमने क्या किस तरीके से बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों को एक साथ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले क्वांटिटेटिव आपने एसोसिएटिव देख लिया, अब क्वेश्चन नंबर 10 में आइडेंटिटी, तो है वही क्वेश्चन सेम, बस अब आइडेंटिटी के लिए चेक कर लेते हैं फॉर आइडेंटिटी। तो आपने ये तो चेक कर ही लिया भाई एसोसिएटिव नहीं है, तो आइडेंटिटी चेक करते हैं। आइडेंटिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, प्रीवियस क्वेश्चन लिखा था e * a = a आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो पहले हम ये पार्ट लेके चलते हैं ना, ये और ये, फिर ये और ये, दोनों लेकर के चलते हैं, दोनों पर ही का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो a * e = a फ्रॉम दिस, तो देखते हैं a² + b² क्या हो जाएगा, a² + e² = a, ठीक है। तो e² का वैल्यू क्या हो जाएगा, a - a², तो e क्या हो जाएगा, +-a - a², तो देखा जाए तो इस हिसाब से एक तो ये हो गया, और दूसरा लेंगे e * a लेंगे, तो क्या हो जाएगा e² + a² = a, तो e² = a - a², ठीक है। ये आ गया, हालांकि ये यहां पर ये तो दोनों सेम है, लेकिन ये प्लस माइनस ये शो कर रहा है कि e के दो वैल्यू है, कौन कौन दो वैल्यू, एक प्लस और दूसरा माइनस। हम जानते हैं कि आइडेंटिटी यूनिक होती, कल ही हमने बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है, यूनिक होती, इसलिए e इज नॉट डिफाइंड। यहां क्या लिखेंगे, e नॉट डिफाइंड ऑन दिस ऑपरेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पार्ट हो गया, इसी तरीके से लगभग सारे क्वेश्चंस करने हैं। एक पार्ट और मुझे सही लग रहा है बताने के लिए, फिफ्थ पार्ट बता देता हूं, फिफ्थ पार्ट इसका देखिए, फिफ्थ पार्ट में इसको भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखिए फिफ्थ पार्ट, इसमें क्या दिया है, a * b = ab/4 दिया है, ab/4 दिया है, और आपका जो ऑपरेशन है वो रेशनल नंबर पर ही है, ठीक है। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, कॉमुटेटिव। तो कॉमुटेटिव के लिए फॉर कॉमुटेटिव भाई कॉमुटेटिव आप जानते हो
ए स्टार भी क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, देख लेते हैं ए स्टार भी क्या है, ए बी बाई फोर ए हो जाएगा, बी ए बाई फोर नो प्रॉब्लम। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं स्टार इज कॉमटेटिव, तो कॉमटेटिव मतलब क्रमबिंद में है ये, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका हो गया, सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या किसके लिए है, एसोसिएटिव के लिए है, ठीक है। तो एसोसिएटिव फार एसोसिएटिव, आप जानते हो एसोसिएटिव के लिए हमको दिखाना होता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो इसके लिए आप चाहें तो ऐसे कर लें, ए बी बाई फोर हो जाएगा, स्टार सी बाई दो, दो ऑपरेशन पर ए बी बाई फोर लगता है। ए स्टार बी किस तरीके से डिफाइंड है, ए बी बाई फोर तरीके से है, ए बी बाई फोर स्टार सी हो गया, ये ए स्टार बी सी बाई फोर हो जाएगा। अब इन दोनों पर अगेन वही अप्लाई करेंगे ऑपरेशन कि ए बी बाई फोर, तो ए बी बाई फोर इंटू सी बाई फोर, तो कितना हो जाएगा, ए बी सी बाई फोर इंटू फोर हो जाएगा, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कर सकते हैं कि ये डिफाइन है, स्टार इज एसोसिएटिव, यहां लिख सकते हैं स्टार इज सो, स्टार इज एसोसिएटिव। अब फॉर आइडेंटिटी, फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तो बहुत बढ़िया है, इसको आप समझिए, इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, ई स्टार में भी ए आना चाहिए। चलिए दोनों को बारी बारी से करते हैं, सबसे पहले ये लेते हैं, तो ए स्टार ई, ए स्टार ई मतलब ए बाई फोर इक्वल टू ए, ए से ए करके बड़ा ध्यान समझिएगा, इसको बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ आपको ये मिल रहा है आइडेंटिटी की वैल्यू मिल रही है फोर, और उसका सेकेंड पार्ट भी करके देखा जाए तो यहां भी हो जाएगा ई ए बाई फोर इक्वल टू ए, ए से ए कट हुआ, ए इक्वल टू फोर, यहां भी सॉरी ये है ना, ए से ए कटा, ए इक्वल टू फिर से फोर आ गया, मतलब यहां पर ई का यूनिक वैल्यू मिल रहा है, यूनिक आइडेंटिटी मिल रही है, सो यू कैन इजीली से द आइडेंटिटी वैल्यू इज फोर। तो यहां पर इस क्वेश्चन में फिफ्थ पार्ट में आपने देखा, फिफ्थ पार्ट में आपने देखा इसमें कॉम्पिटेटिव भी डिफाइन है, एसोसिएटिव भी डिफाइन है और आइडेंटिटी भी डिफाइन है। इसी तरीके से बाकी एक पार्ट और है, उसको भी आप कर लीजिएगा, जब भी ई का डबल वैल्यू मिले। चलिए एक पार्ट और करा देता हूं, देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए, सिक्स पार्ट देखिए, सिक्स पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 का सिक्स पार्ट देखिए। तो सिक्स पार्ट में क्या दिया है, ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर दिया है, ठीक है, ये भी देख लीजिए। हमारा उद्देश्य यही है कि आप ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड विथ एग्जांपल सभी को सॉल्व करिए, तभी आपको उस पर कॉन्फिडेंस आ पाएगा। टीचर्स तो वही बताते हैं जो आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो, वही से बताते हैं, लेकिन आपको करना हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्पिटेटिव चेक करते हैं, ए स्टार बी क्या बी स्टार ए के है, ए स्टार बी ए बी स्क्वायर आएगा, ये क्या आ जाएगा, बी ए बी स्क्वायर आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, बी ए स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या ये सेम है, नहीं, तो इसको आप लिख सकते हो स्टार इज नॉट कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव नहीं, एसोसिएटिव चेक कर लीजिए, एसोसिएटिव चेक कर लेते हैं, तो फार एसोसिएटिव नंबर वही है, स्टार सच दैट क्यू क्रॉस क्यू टेंडिंग टू क्यू, फंक्शन आपका सेम है। तो एसोसिएटिव में, एसोसिएटिव क्या देखना होता है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार, हर क्वेश्चन में लिखते लिखते ये चीजें जो है रट जानी चाहिए। तो ए स्टार बी के लिए क्या होगा भाई, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, फिर से स्टार सी लग गया यहाँ पर, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बी सी स्क्वायर, फिर से स्टार, अगेन अप्लाइंग दिस ऑन दिस स्टार। अब इस पर जब आप अगेन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिल जाएगा, और यहाँ पर अगेन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वही स्क्वायर लग जाता है, तो ए और इस पर स्क्वायर लग जाएगा ऐसे,
तो ये क्या हो गया, सॉरी ये ए लिखा है, तो ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी पावर फोर डज नॉट इक्वल, यहां क्या लिखेंगे, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। आइडेंटिटी आइए चेक करते हैं, फॉर आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मतलब तत्समक होता है, उसको चेक किया जाए, उसका फार्मूला क्या होता है, ए स्टार इज इक्वल टू ए होना चाहिए। तो उस रूल से देखा जाए, दूसरा अब ए स्टार ई, ए स्टार ई ए बी स्क्वायर देता है, तो ये क्या देगा, ए स्क्वायर देगा, ए से ये कट जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल टू वन, ई इक्वल टू प्लस माइनस वन, लो यानी ई के दो वैल्यू आ गए, इसलिए आप कहेंगे अब दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं, निकालना हो निकाल लीजिए, ई स्टार ए इक्वल टू ए करेंगे तो ई ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, इसे कट जाएगा, ई इक्वल टू वन अपान ए इक्वल टू, यहां से भी ई के ट्रिपल वैल्यू मिल रहे हैं, वन टू थ्री, दो यहां से एक यहां से, तो वैसे आप क्या कहेंगे फिर, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 9, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हमने बताया आपको, ये जरा ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी का केवल एक ही वैल्यू होती है, अगर एक ही वैल्यू ई आती है तभी आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, आइडेंटिटी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, लेट ए एन क्रॉस एन दिया है, कोई ए सेट है, इसमें नेचुरल नंबर पर है, डिफाइंड है, स्टार विद बाउंड्री ऑपरेशन ऑन ए, ठीक, किस तरीके से डिफाइंड है, ए स्टार बी, सॉरी ए कामा बी स्टार ए कामा बी, ए कामा बी स्टार सी कामा डी, स्टार सी कामा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी, इसके साथ ऐड हो रहा है कामा बी प्लस डी, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो यहां पर ये इसका रूल है कि अगर इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये इस बाइनरी ऑपरेशन का रूल है इस क्वेश्चन के लिए। तो आइए देखते हैं कॉम्यूटेटिव, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, फॉर कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव में आप जानते हो कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है, तो ये अब इसको आप ए मानिएगा, ए स्टार बी, ठीक है, तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए बी स्टार सी डी इज इक्वल टू बी स्टार ए मतलब ये सी डी स्टार ए बी, अब इनका वैल्यू लिखिए, ए प्लस सी तो दिया गया है, ए प्लस सी बी प्लस डी, इसका वैल्यू लिखेंगे सी प्लस ए और डी प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं, आप जानते हैं कि प्लस एडिशन में, एडिशन में ए प्लस सी सी प्लस ए इक्वल होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी इक्वल होता है, इसको आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कॉम्यूटेटिव स्टार इज कॉम्यूटेटिव, तो ये कॉम्यूटेटिव तो है। अब दूसरा आप क्या चेक करोगे, फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, ए स्टार बी, आप छोटे से फंक्शन को बड़े रूप में आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी आई, तो ए स्टार बी का मतलब आप समझ जाइए, यहां कुछ एलिमेंट आपको सी की जगह पर और भी लेना पड़ेगा, ई एफ लेना पड़ेगा, यहां लिख लीजिएगा लेट ई कामा एफ बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, इसको लिखना पड़ेगा क्योंकि एक एलिमेंट इसमें सी और आता है एसोसिएटिव एग्जिस्ट करने के लिए, तो ए बी का मतलब क्या हुआ, ये तो आप समझ चुके हो, ये हुआ बी के लिए क्या हुआ, ये हुआ सी डी हो गया, ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सी डी हो गया, और ये इसके बाद बाहर चलेंगे, सी के लिए क्या हुआ, ये ई एफ आ गया, अभी जो आपने नेक्स्ट सी के लिए एलिमेंट लिया है ए और बी आपको पहले ही समझ में आ चुका होगा, अब सी के लिए ई एफ आप जो भी लेट किए हो, ठीक,
या आप लोगों के लिए कोई नया नहीं, जब ट्रांजिटिव वाला केस आप प्रूफ कर रहे होते हैं तब भी उसमें एक एलिमेंट आपको उसी ऑर्डर में उसी सेट में लेना पड़ता है, उसको सेटिस्फाई कराना होता है। अब यहाँ ए के लिए फिर से वही बात, ए भी आप लिखोगे स्टार, बी के लिए क्या लिखोगे, बी क्या है सी डी है, और फिर से स्टार, सी क्या है अभी जो आपने लिया है ई एफ है, ठीक है, ये तो आपका सेट बन गया। अब यहाँ पर फार्मूला आप अप्लाई करिए, तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं ए प्लस सी यहाँ आएगा, ए प्लस सी और बी प्लस डी आएगा, देन ये अभी ये बाकी है ए एफ के साथ, ये ए भी लिख दिया जाएगा स्टार, और यहाँ पर सी प्लस ई हो जाएगा, सी प्लस ई कामा ये डी प्लस एफ हो जाएगा। अब एक बार आपको और यही ऑपरेशन अप्लाई करना है, इधर देखिए, अब ये इसके साथ ऐड होगा, आप जानते ही हैं पहला फर्स्ट फर्स्ट के साथ ऐड होता है तो क्या मिलेगा, आप बोल रहे होंगे कि ए प्लस सी प्लस डी तो मिलेगा, फिर कामा लगा करके बी प्लस डी प्लस एफ मिल जाएगा, बी प्लस डी प्लस एफ मिल जाएगा, ठीक है। अब आप दूसरा देखिए इसी तरीके से, ए प्लस सी प्लस डी हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा तो हो गया लेकिन ऑर्डर उसी क्रम में चल रहा है, बी के साथ ये ऐड हो जाएंगे, कामा लगा करके बी प्लस डी प्लस एफ, डी प्लस एफ ये नहीं गया। अब आप देख सकते हैं ए सी ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ दोनों सेम हैं, तो एसोसिएटिव के लिए भी ये स्टार सेटिस्फाई है, स्टार इज ऑल्सो एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब आइडेंटिटी के लिए भी चेक करना है, फॉर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के लिए भी चेक करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइडेंटिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, ए स्टार ई ए आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ए तो हमको पता है, ए भी लो, ए भी ले लिया, अब ई नहीं पता है, अगर ई हम एक लेते हैं तो प्रॉब्लम, तो दो ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं, ई वन ई टू कर लीजिए, क्योंकि दो नहीं लेंगे तो आपका ये सेटिस्फेक्शन कैसे होगा, जो कि आपने पढ़ा है कि भाई दो रहेगा तभी तो आप ऐड करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा ना, ए प्लस सी बी प्लस डी भी होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको ई के लिए ई वन और ई टू लेना पड़ेगा। तो अनुमान लग गया होगा कि ई वन और ई टू दोनों अलग अलग वैल्यू आएंगे, फिर कहां सेटिस्फाई होगा, और ये नेचुरल नंबर के लिए है, ठीक। आइए देखते हैं, तो पहले तो इसको सॉल्व किया जाए, एक पार्ट सॉल्व करें, दूसरा पार्ट अभी और होगा। तो एक पार्ट के लिए ए का वैल्यू रखिए ए बी, ए के लिए क्या रखा आपने ए बी, और बी के लिए सी डी, ये हो गया स्टार ई वन ई टू, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल टू ए आना चाहिए, यानी ए बी, ए आने का मतलब क्या है ए बी, ठीक है। तो अब इस पर फार्मूला अप्लाई करिए, जब इस पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, ओ एक मिनट, हमने यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा ये सीधी ये लाइन एक्स्ट्रा हो गया, हम तो ले ही चुके थे ना, एक ही एलिमेंट देना था, दो नहीं देना, तो एक एलिमेंट ए भी लिया जा चुका है। अब इसे फार्मूला अप्लाई करिए, इक्वल टू ए भी हो जाएगा, ये सही, ठीक है, ध्यान से देखिए, है ना, पहले ए ए के लिए क्या मिल गया ए बी, जब ए बी ले चुका हूं तो बार बार ए बी चुनूंगा नहीं, फिर से ये अभी नहीं लिया जाएगा, ये एक एलिमेंट लिया जाता है पहला वाला, ए बी आपने ले लिया, स्टार ई के लिए वन ई टू, ठीक है। देखिए क्या हो गया, ए प्लस ई वन हो गया, ध्यान से समझिए कामा लगा हुआ है, और बी प्लस ई टू हो गया इक्वल टू ए बी, ध्यान से देखते रहिए। अब क्या करेंगे, अब हम इनको इक्वेट कर लेंगे, इक्वेट करने का मतलब होता है कंपेयर कर लेंगे, तो ए प्लस ई वन इक्वल टू ए, ई वन इक्वल टू जीरो, बी प्लस ई टू इक्वल टू बी, तो ई टू इक्वल टू जीरो, सिमिलरली वो भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो अब आप यहां पर आप सोचिए, क्या ये ई वन ई टू जीरो ही तो आ रहा है, तो क्या आइडेंटिटी नहीं है, थोड़ा सा आप सोच लीजिए, तो हम तो बता ही दे रहे हैं। आप कभी कभी ऐसे टाइम पर वीडियो को पॉज करके ये समझने का कोशिश किया करिए कि क्या हमको पता है कि ये है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जीरो डज नॉट बिलोंग इन है, नहीं है,
मतलब आइडेंटिटी वैल्यू नहीं डिफाइन है। यहां लिखेंगे स्टार इज नॉट डिफाइंड या डज नॉट एग्जिस्ट लिख दीजिए, डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां तक कितना हो गया क्वेश्चन? इसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी इस तरीके क्वेश्चन आप देख ही चुके हैं, 13 भी है ऑप्शन में है, तो इसको आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज कराएंगे, और आप लोग निश्चित रूप से मेहनत किया जा रहा है तो उसका भी कुछ रिस्पांस दीजिए, और हमें निश्चित रूप से मैसेज करिए आप कोई प्रॉब्लम हो तो, और कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछना हो तो भी पूछिए। ठीक है, थैंक यू।